हम आ गए सिटी पैलेस और जैसे ही आप एंटर करते हैं आप अंदर जान से रुक जाएंगे क्योंकि यहाँ पे हो रहा है एक बहुत एंटरटेनिंग पपेट शो और हम उन्हीं के कलाकारों से हम मिलेंगे। सर आपका नाम क्या है? नमस्ते, मेरा नाम राहुल भट्टे। नमस्ते नहीं, खम्बागणी करना पड़ेगा। खम्बागणी, मेरा नाम राहुल भट्टे है। ओके, आप क्या कर रहे हैं यहाँ बताइए? यहाँ पे हम कठपुतली का खेल दिखाते हैं, जो लोग बाग बाहर के जो लोग आते हैं उनका एंटरटेनमेंट करते हैं, पपेट शो दिखाते हैं। तो आप यहाँ सिटी पैलेस में कब से कर रहे हैं? सिटी प्लस में हमको 20 साल हो गई। 20 साल से कर रहे हो आप ही शुरू से कर रहे हैं? नहीं, हमारे यहाँ पे जीजा जी भी काम करते हैं, हमारी पूरी फैमिली काम करते हैं यहाँ पे। ओ, और आप ओ, सब लोग भाई हैं? बिल्कुल बिल्कुल, रिलेशन में हम सब लोग। तो मुझे बताइए आप कब से ही करते आ रहे हैं और आपने कैसे सीखा ये सब? ये हमारा खानदानी काम है, हमारे 7 पीढ़ी से चलता रहा है। पहले हमारे दादाजी के पिताजी करते थे, हमारे परदादा जी करते थे, फिर हमारे दादाजी करते थे, दादाजी से फिर हमारे पिताजी और हमारे पिताजी से हम करते आ रहे हैं। तो हमारे 7 पीढ़ी से ये चलता रहा है। जैसे जगह जगह राजा महाराजों के टाइम में चले, पहले मूवी थिएटर नहीं रहता था, तो जो राजा महाराजों के जो बच्चे चिल्ड्रन रहते थे तो उनका एंटरटेनमेंट से पपेट शो से एंटरटेनमेंट करते थे उनका। तो पहले के जो राजा महाराजे बच्चे बाहर नहीं जाते थे तो उनके घर पे ये बुलाते थे, हमारा दादाजी को परदादाजी को, उनको घर पे बुला के उनका पपेट शो देखते थे वो अपने बच्चों के लिए एंटरटेनमेंट के लिए। तो पहले वो एंटरटेनमेंट करते आ रहे और अब हम लोग करते हैं एंटरटेनमेंट। ओ, तो आपको क्या सिटी पैलेस से कुछ हेल्प मिलती है यहाँ पे जो आप करते हो? एक्चुअली उन्होंने प्लेटफॉर्म दे रखा है ना, तो उन्होंने प्लेटफॉर्म दे रखा है, बट जो भी आए वो तुम्हारा है और हम लोग उनका शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने हमको जगह दे रखी है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं उनको। हाँ। और उनका शुक्रिया करते हैं हम लोग। हाँ। ना तो उनको हम देते हैं ना उनसे हम लेते हैं। आप कितने साल के हैं? मेरी उम्र 29 साल है। 29 साल, और यहाँ पर आप कब से काम कर रहे हैं वाला? मेरे को यहाँ पे 19 साल हो गए मेरे। हाँ, तो आपने ये करना कब शुरू करा था? हम जब बचपन से यही काम करते आते हैं। 15 साल से। और आप मुझे बताइए कि आप बॉलीवुड गाना ज्यादा बजाना एंजॉय करते हैं या फिर आप राजस्थानी ज्यादा एंजॉय करते हैं? राजस्थानी। अभी तो आपने बॉलीवुड भी करा। जैसे लोग बाग बोलते हैं पैसे सुनाते हैं, लेकिन हाथ पैसे तो हमारा काम मेन राजस्थानी। यहाँ पे जो राजस्थान में जो मिठास है, राजस्थानी की जो ले है वो बहुत अच्छी है। हाँ। और वैसे हम अधिकतर राजस्थानी गाते हैं, वैसे लोग बाग कोई डिमांड करता है तो वैसे हम सुनाते हैं उनको। हाँ। कितना टाइम लगता है ऐसे एक कठपुतली बनाने? एक कठपुतली में मैक्सिमम 4 से 5 घंटे लगते हैं। 4 से 5 घंटे? उसमें आप पेंट भी करते हैं? ऑयल पेंट होता है, तो ऑयल पेंट में तो और ज़्यादा टाइम लगता है। सीने का बता रहा हूँ मैं आपको प्रोसेस। हाँ। सीने का प्रोसेस में 3 से 4 घंटे लगते हैं, और वैसे जो पेंट उंट होता है तो वो ऑयल पेंट होता है, उसमें और टाइम लगता है उसमें। अब सर मेरे लिए एक ऐसा गाना बजाएंगे जो कॉपीराइट फ्री होगा, मेरे गाने में कॉपीराइट नहीं आएगा। सर कोई राजस्थानी गाना बजा सकते हैं? एक्चुअली हम लोग राजस्थानी केसरे वालम सुनाते हैं। ठीक है, वेलकम सॉन्ग राजस्थानी। हाँ, डन।